नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डोरी पलटने का एक नायाब तरीका मैं बताने वाला हूँ। नायाब तरीका, सिलाई के साथ आप डोरी कैसे पलट सकते हैं, चंद मिनटों का वीडियो बनाया है। आप पूरा वॉच करेंगे, देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतर वीडियोस बना सकें। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। डोरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उरेब की पट्टियाँ चाहिए होती हैं, जो हमने इस तरह से उरेब की पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। उरेब कैसे होता है ये आप सभी आसानी से जानते हैं। साथ में इसके लिए हम सिंगल फुट का यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए, हमारा सिंगल फुट है, इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उरेब के जॉइंट लगा लेते हैं। ये देखिए, उरेबी जॉइंट कैसे लगाते हैं, क्रॉस से क्रॉस इस तरह से मिलाएंगे और हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर सभी जॉइंट लगा लेने हैं। दोस्तों, अब हमने सिंगल फुट लगा लिया है और इसे हमने इस तरह से सेट किया है, जो मशीन की नीडल है वो इसके बाहर नहीं आनी चाहिए, हाफ सेटल के जस्ट पास में से हमें लगानी है। इस तरह से, ये देखिए, जस्ट हमने इसके पास में से लगाया है। इस तरह से अपने को सिंगल फुट को यूज़ करना है। दोस्तों, अब हमें उरेब का एक हिस्सा इस तरह से बिल्कुल त्रिकोण शेप में, इस तरह से हमें बिल्कुल इस तरह से हमें कट करना है। दोस्तों, अब हमें इस कॉर्नर को इस तरह से पकड़ना है और एक हिस्सा यहाँ पर नीचे की तरफ से यहाँ पर पकड़ना है और इसे ऊपर से आपको इस तरह से इसमें बल लगाना है, इसे, ठीक है, इस तरह से, और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम, यहाँ पर इसे पकड़ लेंगे। बल लगाने के बाद में अब इसमें हम, ये देखिए हमारा फुट थोड़ा दूर छोड़ते हुए हमें एक तरफ कपड़ा इकट्ठा करते हुए सिलाई लगाएंगे और हमारा जो ये मशीन में डोरी है, ये ध्यान रहे कि ये जो अपने बल लगाया था हिस्से वाला उसको न छोड़े, उसे अंदर की तरफ खींचते हुए रखेंगे और इसी से हमारी डोरी पलटने वाली है। और सिलाई लगाते वक्त इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, जो अंदर वाला कपड़ा है उसके ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। और इस तरह से आपको पकड़ना है पीछे की तरफ से और आगे की तरफ खींचना है। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमें मशीन को इस तरह से रखना है और अंदर वाली जो है उसको भी आपको पकड़ के खींचते रहना है इस तरह से। इस तरह से हमें सिलाई भी लगानी है और हमारी जो डोरी है उसको भी साथ में पलटना है। ये देखिए किस तरह से डोरी पलटती है, इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है, बस छोटी सी टेक्निक की ज़रूरत है। दिमाग लगा के थोड़ा हल्के हाथ से इस तरह से आपको इसे लगाना है। ये देखिए, यही बातें हैं कि आपका जो अंदर वाली डोरी है उसके ऊपर आपकी सिलाई न चढ़े, धागा बिल्कुल डोरी के पास में आए ताकि मोटी ना हो, और एक सार दबाव लगाएं ताकि जो डोरी है पलट रहे हैं वो बिल्कुल से बारीक और एक हिसाब से डोरी आए। इस तरह से आप एक ही सिलाई में अपनी डोरी को पलट सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल का आइकन ज़रूर से दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।